जी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है आपका। क्या मसरूफियात है आपकी? मैं सडमिल का स्टूडेंट हूँ और कॉलेज पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेडिकल के स्टूडेंट और मेडिकल पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह यार दुनिया के काम तो चलते रहेंगे, कुछ दीन की खिदमत भी हो जाए। तो इसी सिलसिले में मस्जिद में हमारी जमात आई हुई है, आप भी चलें, बड़ा फ़ायदा होगा। मैं चल तो लेता लेकिन एक मसला है, लेकिन मेरी बाइक ख़राब है तो बाइक बनवाने जाना है मुझे। ओहो उमर भाई ये तो बड़ा मसला हो गया, कोई बेफिक्री की बात नहीं। उमर भाई तैयार हैं आप? हम भी आपके साथ चलेंगे। आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ हाँ कोई नहीं। ओ उमर भाई आ जाए ले लेना। ठीक है आ जाए। ब्रेक टाइट करो। कर गया था यार, खराब हो गई। मुझे पता है तुम्हें पता है, कल तो फुल टाइट करी थी, अब कैसे बनाऊं? तू बना, तुझे मैं पैसे दे रहा हूँ। यार मैं कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह तो अपनी ब्रेक भी टाइट हो गई है, अब मस्जिद की तरफ चलें। मुझे एक मिनट ट्राई लेना है एक बस। उमर भाई क्या करें, आप मेहराब भाई के साथ जाएं, उन्होंने गाड़ी बनवाई है, आप इनके साथ जाके चक्कर लगा। ठीक है मेरे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह मेहराब भाई अभी तो आप मोटरसाइकिल का चक्कर भी लगा के आ गए हैं, मोटरसाइकिल से मुत्तफिक भी हैं आप। अभी मस्जिद की तरफ चलें। चलो चलते हैं। उमर भाई आ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे यार मुझे याद आया मेरे चाचे की तबीयत भी सही नहीं है, उधर भी जाना है। अच्छा आपने अपने चाचा की इबादत के लिए जाना है, चलो कोई मसला नहीं, हम भी चल लेते हैं। एहसाने सवाब कमा लेंगे थोड़ा उनकी इबादत करके, हम भी चलते हैं। ठीक है उमर भाई? ठीक है आप भी चलेंगे साथ? हाँ हम भी चलेंगे यार, थोड़ा सा एहसाने सवाब कमा लेंगे। उमर भाई चले चलते हैं। अरे बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बुखार कब हुआ? चाचा तुम्हारी पिछले दिनों ही तो तबीयत खराब हुई थी, असल में चाचा की उम्र ज्यादा हो गई ना, चाचा भूल जाते हैं। क्या मुझे याद है, पिछले दिनों मुझे बुखार नहीं हुआ था, असद हुआ था। आपकी पिछले दिनों ही तो तबीयत खराब हुई थी, आपको याद नहीं है? बेटा मुझे अच्छे से याद है, मुझे बचपन से बचपन तक सिर्फ एक बार ही बुखार हुआ। चाचा मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। मेरी तबीयत तो ठीक है लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बेगम शबाना भतीजे के लिए खाना तो लाना और दो पेनाडोल टेबलेट भी लाना। इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ ये कौन है जो तुम्हारे साथ बैठे? चाचा जी ये तबलीग आने आए, तबलीग की जमात आने और सुनाए चाचा जी अब नया तबियत कैसी है आपकी, बुखार कैसा है आपका? बुखार हो गया, मेरे पेट में दर्द, असली में दर्द। बेगम शबाना खाना मत लाना, चलो आप इंजॉय करो पार्टी को। यार अल्लाह पाक आपके चचा को जगह खैर दे। मेहराब भाई आपकी आपके चचा से मुलाकात भी हो गई है, अब मस्जिद की तरफ चलें। चलो यार एक मसला और है, मेरे कपड़े उमर भाई, मेरा भाई ये पाक कपड़े उमर भाई। चलो चले कपड़े हो गई, चलो चले वसूली। After 4 months हाँ क्या हाल है साहब भाई, खैर से हो? ठीक ठाक तुम सही? आप सुनाओ क्या हाल है, किस मुझसे क्या चल रही और मुझे क्या चल रही? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। बड़े भाई आपका नाम? मेरा नाम सज्जाद है जी। आपका नाम भाई? मोहम्मद अजान। माशाल्लाह माशाल्लाह आप तो बहुत अच्छे नाम रखे हो, हम दीन से मुझ पर से आपसे मिलने आए, तो आप चलें मस्जिद में, इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। हम आपके साथ चल तो लें लेकिन हमारा एक मसला है, हमारी होगी बाइक ख़राब, वो बाइक बनवाने जानी है हमने। मुझे पता है आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, तो अभी हम अपन चलेंगे मिस्त्री के पास, मिस्त्री के बाद आप जाएंगे ट्राई लेने, ट्राई लेके आएंगे तो आपकी चाचा की तबीयत ख़राब हो जाएगी,
चाचा की तबीयत पूछने चलेंगे, उसके बाद आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। कपड़े ख़राब होने के बाद आधा घंटा लग जाएगा, अगर अपन मस्जिद चलें तो 5 मिनट लगेगा। आपका फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। हाँ चलिए, बात तो आप सही कह रहे हैं, चलिए ठीक है, आपके साथ चल लेते हैं। वालेकुम पब्लिक, यार वीडियो बनाने का हमारा ये पर्पस था कि जब भी जमायतें आती हैं ना, क्या होता है कि हम ऐसी ऐसी टोपियां घुमाते हैं उनके ताकि वो चले जाएं, या तो हम कहीं पे बाहर खेल रहे होते हैं, जैसे ही तबलीग वाले जमात हमको नज़र आती है हम कहते हैं भाग भाई भाग। तो यार ऐसे ऐसी हरकतें ना किया करें, क्योंकि वो भी अपना घर बार कारोबार बच्चे बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं। किसके लिए आते हैं? हमारे लिए आते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि जब वो हिजरत करके आते हैं तो हमें भी क्या करनी चाहिए, उनकी नुसरत करनी चाहिए। वो हमसे कोई खाना वाना नहीं मांगते, वो हमसे कोई पैसे नहीं मांगते, हमसे क्या मांगते हैं, सिर्फ हमारा वक्त मांगते हैं, हमारा थोड़ा सा टाइम मांगते हैं। तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। सब करेंगे कदर इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।